दूतम जहां जुआ खेली जाती हो, पानम जहां पर मदरा पान हो, जहां झूठ बोली जाती हो, जहां परिस्त्री गमन होता हो, ये चार वस्तु में तुम्हारा निवास रहेगा। ये कलियुग को वास दिया राजा परीक्षित ने। महाराज ये तो सब ऐसे स्थान हो गए, कोई बढ़िया स्थान तो दो, एक जगह तो बढ़िया हो। रजो वैरस्य पंचमम, जो अनीति से कमाया हुआ धन होगा ना उसमें भी तुम्हारा वास होगा। कई लोग कहते हैं सोने में वास होता, नहीं, कौन कहता सोने में। अनीति से कमाया हुआ चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे डॉलर हो, चाहे वो रुपया हो, कोई भी करेंसी हो, अनीति से कमाया हुआ है, किसी को सता के लाए हैं, वो कभी हित नहीं करेगा, कभी बुद्धि सही नहीं रखेगा, बुद्धि बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, उसमें कलयुग का वास होता है। और अगर कलयुग के वास से बचना है तो बड़ी सुंदर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर हम सबको सूत्र दे रखा है, जो कुछ वस्तु लाओ सबसे पहले गोविंद को पहना दो और उनका प्रसाद समझ करके जब उसको धारण करोगे तो उसमें कोई भी वास कलयुग का नहीं होगा। अब सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, दो नंबर का पैसा लाओ और ठाकुर जी के सामने अटैची घोल दो या गोपाल जी को बिठा दो, हो गया एक नंबर, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये एक नंबर का होने वाला नहीं है, ये तो महाराज इसका तो टैक्स देना ही पड़ेगा। जो वस्तु तुम्हारी है उसको लाकर भगवान को अर्पण करो और उसको पाओ। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।